देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। चुनावी साल में प्रदेश के बजट में इस बार सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन के विकास पर फंड मिल सकता है। सरकार बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को हर महीने 350 से 650 रुपए तक पेंशन के रूप में देती है। इसे बढ़ाकर 1000 रुपए करने की तैयारी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की लैंडमार्क स्कीम आत्मानंद स्कूल के लिए बजट में 400 नए भवनों के फंड का प्रावधान करने की संभावना है। प्रदेश में घोषित 4 नए मेडिकल कॉलेज और 5 जिला अस्पतालों के भवन के लिए भी इसी बजट में फंड जनरेट करने की तैयारी है। भूपेश सरकार के शपथ लेने के कुछ अरसे बाद ही बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में इन श्रेणियों के 42 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में हैं। इन्हें अलग अलग श्रेणियों में औसतन 350 से 650 रुपए महीना मिल रहा है। सरकार बजट में इसे बढ़ाकर 1000 रुपए करने और सभी वर्गों को एक जैसी पेंशन की घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।